नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधार कानून से किसानों को उद्यमी बनने का मिलेगा मौका, बढ़ेंगे आय के अवसर, किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन। इस बार नहीं बढ़ेंगे रबी फसलों के बीजों के दाम, तराई विकास निगम का फैसला। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि सुधार कानून को सही ठहराया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, तेजी से होगा देहरादून स्मार्ट सिटी कार्य, 3 स्मार्ट स्कूल भी होंगे निर्मित, क्वालिटी एजुकेशन पर दिया जाएगा जोर। और राज्य में खेती और पर्यटन पर आधारित स्टार्टअप को मिलेगा प्रोत्साहन, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिए निर्देश, सर्वश्रेष्ठ 10 स्टार्टअप को मिलेगा पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद द्वारा हाल में पारित कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। जन नेता पद्म भूषण डॉ बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के स्थानीय मॉडल और स्थानीय उद्यमी देश को आगे बढ़ाएंगे। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते। साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को फायदे दिए जा रहे हैं। प्रदेश में इस साल किसानों को दिए जाने वाले रबी फसलों के बीजों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, इसका फैसला तराई विकास निगम की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने निगम के अंतर्गत हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि रबी फसलों के बीजों की उपलब्धता बनी रहे, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। 30,000 क्विंटल रबी फसलों का बीज कृषि विभाग ने लिए उपलब्ध रहेगा। बीज का मूल्य 3,710 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। कोरोना काल में बीजों के कोई दाम नहीं बढ़ाए गए। मुद्दा था कि रबी के बीजों की उपलब्धता, जो हमारे उच्च कोटि के बीज जो टीडीसी बनाती है उसकी उपलब्धता बनी रहे। इसमें हम लोगों ने करीबन कृषि विभाग के माध्यम से जो किसान को बीज गेहूं का दिया था उसमें 30,000 क्विंटल कृषि विभाग के लिए भी इसमें उपलब्ध रहेगा और उनके दाम 3710 रूपये तय किए गए। और जैसे कि पिछली बार आपने देखा कि हमने खरीफ में भी इस वर्ष कोरोना की महामारी को देखते हुए स्पष्ट तौर पर मेरे द्वारा मना कर दिया गया था कि कोई भी दाम बीजों के नहीं बढ़ाए जाएंगे टीडीसी के द्वारा, ताकि किसानों को इससे राहत मिले। अब हमने रबी के बीजों के लिए भी वही चीज को किया, एक विगत वर्षों के ही दामों पर इन बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कृषि मंत्री उनियाल ने कहा कि कृषि बिलों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्रीय कृषि बिल कानून को लेकर बिना बात का विरोध कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा, कृषि बिल के बारे में विपक्ष को सही से जानकारी ही नहीं है। केंद्रीय कृषि बिल में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। इस बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिल सकेंगे। मैं तो विपक्ष से एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने कई बार भी कहा, आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारत में कृषि बिल भारत की संसद में अभी हाल में पास हुए। हमारे राज्य को यह सौभाग्य मिला कि हमने 6 महीने पूर्व ही ये कानून, इनको कानून का दर्जा अपने राज्य में दे दिया था।
अगर इसमें कुछ गलत था तो आखिर ये विपक्ष कहां सोया पड़ा था 6 महीने तक। देखिए ये केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति है, और अब एक सुनियोजित ढंग से पूरे देश के अंदर जिस विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं रह गया वह विरोध के लिए विरोध करने की भावना के तहत इन किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून का चयन हुआ था तब देहरादून 100वें नंबर पर था। कार्यों की प्रगति में तेजी से देहरादून 13वें नंबर पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड का निरीक्षण किया। देहरादून स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है बहुत तेजी से हुआ है। जब देहरादून का सिलेक्शन हुआ था तो वो 100वें नंबर पे था, और यहाँ की जो काम की प्रोग्रेस थी वो 13वें नंबर पर बीच में आ गया था, लेकिन अब कोविड काल के बाद बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। उन्होंने परेड ग्राउंड, देहरादून के पुनर्निर्माण, स्मार्ट रोड एवं देहरादून में बनाए जा रहे 3 स्मार्ट स्कूलों के कार्य प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट स्कूल की उत्तराखंड में नई पहल शुरू हुई है। देहरादून में बनने वाले 3 स्मार्ट स्कूलों से बच्चों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इन स्कूलों में उच्च गुणवत्ता युक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। ये तीनों स्कूल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बनाने के निर्देश भी दिए। स्मार्ट स्कूल, ये बच्चे ये समझ पाएंगे कि स्कूल भी स्मार्ट होते हैं, तो यहाँ के बच्चों की जो मानसिकता है उनमें एक बड़ा अंतर आएगा। अभी तक जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग निःशुल्क जैसी पढ़ाई होती है, तो बच्चों को लगता है कि हमारे लिए व्यवस्थाएं भी ऐसी होंगी, लेकिन अब उच्च गुणवत्ता की व्यवस्थाएं उनको दी गई हैं। ई लाइब्रेरी है, ई बोर्ड है, और सबसे बड़ी बात यह कि जो तीनों स्कूल हैं ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान अगले महीने की 9 तारीख को होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, कांग्रेस के राज बब्बर और बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह सहित 11 सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष नवम्बर माह में समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 20 तारीख को जारी होगी। पंतनगर में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय वर्चुअल किसान मेला शुरू हो गया है। कृषि वैज्ञानिक वर्चुअल माध्यम से किसानों से सीधा संवाद कर सकते हैं और उनकी फसल संबंधी समस्याओं का निराकरण किया। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन कृषि बीजों की बिक्री की शुरुआत 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ कर दी गई थी। पंतनगर विश्वविद्यालय ने लगभग 1,00,000 किसानों को SMS के माध्यम से भी इस मेले के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई है। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ. अनिल शर्मा ने बताया कि किसान मेले का उद्देश्य किसानों तक उच्च गुणवत्ता के बीज पहुंचाना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। इसके अलावा किसानों को नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है। हम लोगों के यहाँ हमेशा 2 बार किसान मेला होता है साल में, और ज़्यादातर किसानों की जो डिमांड होती है वो सीड के लिए होती है, बाकी जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो इस बार कोरोना की वजह से चूँकि कोई भी आदमी आ नहीं सकता था यहाँ पर, हम फिजिकली लोगों को बुला नहीं सकते थे, लेकिन वो कृषि की आवश्यकताओं को तो देखते हुए और हम लोगों की सरकार, भारत सरकार का, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा यही रहता है कि हम लोग किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से पहुँचें और उनको सहायता कर पाएँ। उसी को देखते हुए हमने सोचा कि वर्चुअल मोड में हम 2 काम कर सकते थे, क्योंकि किसान मेले के जो उद्देश्य हैं वो 2 होते हैं। एक तो जो यहाँ का प्रोड्यूस है उसको हम किसानों तक पहुँचा पाएँ, दूसरा ये होता है कि जो किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम अपने साइंटिस्ट से मिलवाकर उनको सुलझा पाएँ। फरुखाबाद से आए किसान टीपू यादव का कहना है कि वे पिछले काफी वर्षों से गेहूं का बीज पंतनगर किसान मेले से ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भी पंतनगर विश्वविद्यालय ने इसकी अच्छी व्यवस्था की है। हम यहाँ बीज लेने आए, हर साल ले जाते हैं, हमारी व्यवस्था विश्वविद्यालय बढ़िया की है।
शाहजहांपुर के काश्तकार का कहना है कि बीजों की कीमत बहुत ज्यादा है, जबकि हमारा कृषि उत्पाद बहुत कम कीमत पर बिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बीजों की कीमत में संतुलन बनाए, जिससे कि किसान लाभान्वित हो सकें। हम यहाँ 35 साल से लगातार आते हैं दोनों मोहल्लों में, और हमें यहाँ सुविधा तो मिलती है, बल्कि कुछ नए लोग हैं। अब बीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है और हम लोगों को लागत मूल्य मिल नहीं पा रहा, इसलिए बीज का मूल्य संतुलन होना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि दिशा समिति की जानकारी व सूचनाएं सदस्य सांसदों और विधायकों को समय पर दें। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में दिए गए लक्ष्य समय पर पूरे हों, कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, कोविड-19 के कारण हुई देरी की भरपाई करने के लिए दोगुनी ऊर्जा से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है, इसमें अवस्थापनात्मक सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम कराए जाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्लेसमेंट को प्रमुखता दी जाए, डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को सभी जिलों में तेजी से लागू किया जाना है, मनरेगा में अच्छा काम किया गया है, इसमें सुनिश्चित किया जाए कि नए जॉब कार्ड बनाने में कोई परेशानी न हो, जिन गांव में दूरसंचार की कनेक्टिविटी नहीं है उन्हें कनेक्टिविटी से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को कहा है कि लोकल मार्केट पर फोकस करने वाले स्टार्टअप को चिन्हीकरण में प्राथमिकता दें। राज्य स्टार्टअप काउंसिल की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी स्टार्टअप को वित्तीय सहयोग देने में सहयोग दें। इसके साथ ही कृषि, हर्बल, स्वास्थ्य, टूरिज्म जैसे राज्य आधारित सेक्टर में स्टार्टअप को अधिक फोकस करने का प्रयास करें। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन इन्क्यूबेटर्स को मान्यता दी जा रही है वे सभी निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन भी होने चाहिए। उन्होंने IIT रुड़की को GIS आधारित एप्लीकेशन में राज्य को सहयोग करने के क्षेत्र में काम करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उद्योग विभाग के निदेशक सुधीर नौटियाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से काउंसिल को जानकारी दी कि राज्य में कुल 83 स्टार्टअप की पहचान की गई है तथा स्टार्टअप नीति 2018 के अनुसार अब तक 14 फर्मों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2018 के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ 10 स्टार्टअप को 50,000 प्रति स्टार्टअप पुरस्कार दिया जाएगा। जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने 2 गज की दूरी और हाथों को बार बार धोने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि वहां कोरोना का अधिक खतरा है। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं मिलती है हमें सावधान रहना होगा। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना का भय समाप्त नहीं हुआ है, हम लोगों को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हम बार बार साबुन से अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें, और बहुत आवश्यक न हो तो घरों से बाहर न निकलें, जाएं भी तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं। उन परिस्थितियों में कोरोना के संक्रमण फैलने का अधिक खतरा हो जाता है अगर हम इन सावधानियों को नहीं बरतेंगे। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने जीवन को बचाने के लिए, जीवन बहुमूल्य है, सतर्क रहें, सावधान रहें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नमस्कार। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कृषि सुधार कानून से किसानों को उद्यमी बनने का मिलेगा मौका, बढ़ेंगे आय के अवसर, किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन। इस बार नहीं बढ़ेंगे रबी फसलों के बीजों के दाम, तराई विकास निगम का फैसला। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि सुधार कानून को सही ठहराया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा तेजी से होगा देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य, 3 स्मार्ट स्कूल भी होंगे निर्मित, क्वालिटी एजुकेशन पर दिया जाएगा जोर। और राज्य में खेती और पर्यटन पर आधारित स्टार्टअप को मिलेगा प्रोत्साहन, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिए निर्देश, सर्वश्रेष्ठ 10 स्टार्टअप को मिलेगा पुरस्कार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।